फ्रेंड, वेलकम टू YKP ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। और हम जानते क्या हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 1 हमारा क्या होता है, 10 स्क्वायर, सॉरी sec स्क्वायर x क्या होता है, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x क्या होता है हमारा 10 स्क्वायर x प्लस में 1, ये होता है sec स्क्वायर x। और 10 स्क्वायर x यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू में 10 स्क्वायर x। तो हम 10 स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, sec स्क्वायर x हमारा ये है 2x माइनस 3 और माइनस का 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर और x की जगह हम 2x माइनस 3 माइनस का 1 dx। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर x का 10x होता है। तो हम लिख सकते हैं 10 sec स्क्वायर x को 10 2x माइनस 3, इसके बाद हम 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 नीचे, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ कि sec 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx है, तो sec स्क्वायर x क्या होता है, 10 स्क्वायर x प्लस में 1। 10 स्क्वायर x को इक्वल टू के RHS की तरफ रखेंगे और 1 हमारी LHS की तरफ आएगा, तो प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर x के। तो sec स्क्वायर x माइनस में 1, तो फिर sec स्क्वायर x को और 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो sec स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, 10 स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का क्या होता है, 10x होता है, x अपॉन में 2 माइनस का x। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो लेट करके भी कर सकते हैं, और आप लेट क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को आप t लेट कर लेंगे। तो 2x माइनस 3 को आप t मान के लेट करके आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी कर सकते हैं, और ये भी आपका मेथड सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि sec स्क्वायर x, इसमें हमारा, हमें जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, 10x होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि आपके पेपर में ये लिखा नहीं आता कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या इंडेफिनाइट इंटीग्रल से करें। आपको जो मेथड आपका इजी लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10 x 7 माइनस 4 x, और माइनस 4 x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस में c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10 7 माइनस 4 x अपॉन 4 प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का dx। हम जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस x स्क्वायर होता है, जैसे हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को लेट कर लेंगे t, लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x को t, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो फिर क्या आ जाएगा, dx
अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में डी टी, और डी टी डी एक्स अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम डी टी वैल्यू पुट कर देंगे, और साइन इनवर्स एक्स को हमने टी लिया था, लेट कर रखा था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स की जगह हम टी, और ये डी एक्स और वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी लिख देते हैं डी टी। तो टी का इंटीग्रेशन हमें पता है, टी का इंटीग्रेशन होता है क्या, टी स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में सी, और टी हमने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में सी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस एक्स माइनस में थ्री साइन एक्स अपॉन में सिक्स कॉस एक्स प्लस में फोर साइन एक्स, और यहाँ पे हमारा डी एक्स है। तो हम जानते हैं कि सिक्स कॉस एक्स प्लस में फोर साइन एक्स इसके इक्वल तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम नीचे टू कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो हम एज इट इज लिखेंगे टू कॉस एक्स माइनस में थ्री साइन एक्स अपॉन में, यहाँ पे टू अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, थ्री कॉस एक्स प्लस में टू साइन एक्स डी एक्स। टू जो है कॉन्स्टेंट टर्म में डिफरेंस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वन अपॉन में टू आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स माइनस में थ्री साइन एक्स अपॉन में, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टू साइन एक्स प्लस में थ्री कॉस एक्स डी एक्स। हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमें। और अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं टू साइन एक्स और थ्री कॉस एक्स को, लेट कर लेते हैं टू साइन एक्स प्लस में थ्री टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स को हमने टी लेट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू साइन एक्स का क्या होगा टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस का थ्री साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस का साइन एक्स इक्वल टू में डी टी अपॉन में डी एक्स। तो टू कॉस एक्स माइनस में थ्री साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, टू कॉस एक्स माइनस में थ्री साइन एक्स, और डी एक्स की जगह हम डी टी वैल्यू पुट कर देंगे इस पूरे की जगह, और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे टी। तो हमारे पास क्या बचा, वन अपॉन में टू तो एज इट इज़ बाहर रहेगा, डी टी अपॉन में टी, क्योंकि ये पूरा हमने क्या लेट किया था टी, लेट किया था टू साइन एक्स प्लस में थ्री कॉस एक्स टी है। और अब क्या करेंगे, वन अपॉन में टी, और वन अपॉन में टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है, और लॉग टी प्लस में सी। तो वन अपॉन में टू लॉग टी की वैल्यू क्या हमने लेट की थी, टू साइन एक्स प्लस में थ्री कॉस एक्स प्लस में सी। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में वन माइनस टेन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, और आप कोशिश करना पहले खुद सॉल्व करने की, क्योंकि अब तक हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए अब तक, और किसी क्वेश्चन में, और फिर भी अगर आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ लें, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन आपको वो दोबारा कराऊंगा। इनटू में अब इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में वन माइनस टेन एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हमें अगर पता है तो वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, क्योंकि वन अपॉन में कॉस क्या होता है,
sec होता है sec x, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया ओके, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ हमारा आ जाएगा नीचे डेनोमिनेटर में, टेन एक्स की पावर होल स्क्वायर डी एक्स। और हम जानते हैं 1 माइनस टेन एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 माइनस टेन एक्स को हम टी लेट कर लेते हैं, और 1 माइनस टेन एक्स क्या होता है माइनस है, तो माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है, और 10 का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू में डी टी, डी एक्स जो है इनटू हो गया, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी माइनस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और 1 माइनस टेन एक्स की जगह टी, तो ये माइनस हो गया डी टी अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का टी का स्क्वायर ओके। और ये क्यों आया, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स ये माइनस इसके पास चला गया डी टी, डी टी हमारा माइनस का हो गया। एक पॉइंट और कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में माइनस का हम डी टी लिख सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डी टी अपॉन में टी स्क्वायर हो गया, ये माइनस एज इट इज बाहर ही रहेगा, ये टी स्क्वायर है डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा डी टी, और माइनस का टी जो है माइनस का टू का हम इंटीग्रेशन में जानते हैं टी की पावर माइनस टू प्लस में वन अपॉन में माइनस का टू प्लस में वन प्लस में सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो सॉरी हाँ इंटीग्रेशन होता है, माइनस एज इट इज़ बाहर रहेगा, टी की पावर माइनस का टू प्लस में वन क्या होता है माइनस का वन, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का वन प्लस में सी। हम देखेंगे माइनस से माइनस जो होता है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा टी टी इनवर्स, और टी हमारा हमने क्या लेट किया था 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स का इनवर्स प्लस में सी, और 1 माइनस टेन एक्स को हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस टेन एक्स प्लस में सी, आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी, दोनों हमारा आंसर करेक्ट है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट एक्स को टी, इसके बाद हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और आप सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मिले उसको सबसे पहले ये सोचे कि ये किस तरह से इंटीग्रेट हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन इसका मेथड कौन सा ऐसा डिफरेंशिएशन है जो कि कैंसिल हो जाए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू में टी स्क्वायर, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 और इसका होगा 2t dt अपॉन में dx, तो dx अब 1 से इनटू हो जाएगा तो क्या आएगा dx इक्वल टू में 2t dt, तो dx की जगह हम क्या लिखेंगे 2t dt लिख देंगे, और cos रूट एक्स हम जानते हैं रूट एक्स को हमने t लेट किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos t, और रूट एक्स नीचे भी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और डी एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 2t dt ओके। अब 2 हमारा कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया तो ये क्या यहाँ पे क्या बचा cos t अपॉन में t इंटू में t dt, तो t से t हमारा कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा 2 cos t dt, और cos का इंटीग्रेशन हम जानते हैं cos का होता है sin t प्लस में c 2 sin, और t का इंटीग्रेशन क्या है हमारा रूट एक्स, लेट t हमारा क्या था रूट एक्स प्लस में c, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इनटू में कॉस 2x, और कॉस 2x हमारा
अंडर रूट में नहीं है, इसका हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि सब्सटीट्यूशन मेथड इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो हम देखते हैं कि साइन 2x को अगर हम t लेंगे तो साइन 2x का क्या होता है, कॉस होता है कॉस 2x। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन 27 तक कर चुके हैं अब तक, अगर आपको आता है 27 तक, तो आप अब तक समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन किस तरह किया जाता है और सब्सटीट्यूशन मेथड हमारा का इंटीग्रेशन किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, लेट करेंगे साइन 2x को हम t लेट करेंगे। तो साइन का हम जानते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x इंटू में 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 इक्वल टू में dt अपॉन में dx होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 2x dx इक्वल टू में dt अपॉन में 2। ये 2 जो है वो dt के नीचे आ गया क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। इसके बाद cos 2x और dx, इसकी जगह हम क्या करेंगे, dt अपॉन में 2 वैल्यू पुट कर देंगे। और sin 2x को हमने लेट कर रखा है t, तो अंडर रूट t हो जाएगा ये हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट t। और cos 2x dx को हमने dt अपॉन में 2, 2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं 1 अपॉन में 2 अंडर रूट टी डी टी। अब रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 प्लस में c, ये आएगा। तो 1 अपॉन में 2 t की पावर 3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे तो मैं आपको साइड में करके भी बता देता हूँ, 2 1 प्लस में 2 इक्वल टू 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू में 3 अपॉन 2 रेसिप्रोकल होगा, तो 2 अपॉन में 3 टेन 3 अपॉन में 2 प्लस सी, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन में 3, और हमने t किसको लेट किया था, साइन 2x को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2x की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस में सी। आप एक स्टेप और करके इसके नीचे 3 लिख के, ये भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये सॉल्यूशन है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स डी एक्स है। और हमें देखते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 प्लस में साइन एक्स को, टी लेट कर लेते हैं। और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो अब हम कॉस एक्स डी एक्स की जगह, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर तो आ गया डी टी हमारा, और नीचे हमने अंडर रूट टी आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, t की पावर 1 अपॉन में 2 माइनस का dt। अब क्या करेंगे, माइनस t अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो t की पावर माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 प्लस में c। तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में 1, क्या करेंगे, 2 माइनस 1 प्लस में 2 1 अपॉन में 2। एलसीएम हमारा क्या आएगा, t की पावर 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 अपॉन में 2 प्लस में c। ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 t हमने लेट क्या किया था, 1 प्लस में साइन एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस c।
ये भी हमारा सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और फर्दर लिख सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स को अंडर रूट में, वन प्लस में साइन एक्स, क्योंकि वन अपॉन में टू क्या होता है, अगर वही माइनस का होता, माइनस का वन अपॉन में टू, तो ये डेनोमिनेटर में जाता माइनस वन प्लस साइन एक्स, लेकिन ये प्लस का है तो अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस में सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉट एक्स को अगर हम टी लेट करेंगे तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो जो कि हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स को लेंगे, क्योंकि लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन में साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या होगा, वन साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा सॉल्यूशन। लेट करते हैं, लॉग साइन एक्स को हम टी लेट करते हैं, तो लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन में एक्स इंटू में, अब साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। तो कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इक्वल टू में डी टी अपॉन में डी एक्स, और कॉस अपॉन में साइन हम जानते हैं क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी आ गया, कॉट एक्स डी एक्स, और कॉट एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी वैल्यू पुट कर देंगे, और लॉग साइन एक्स की जगह टी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, टी और इसकी जगह डी टी, और टी का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में सी। तो टी हमने क्या लेट किया था, लॉग साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वन प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। ये आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि क्या करेंगे, वन प्लस में कॉस एक्स का को हम टी लेट कर लेंगे, तो वन प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। अगर आपको अभी तक आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप प्लीज़ उसको याद कर लें, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा सॉल्व करने में इस प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट वन प्लस में कॉस एक्स को अगर हम टी लेट करते हैं, वन का अब नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो वन का क्या होता है, जीरो, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स इक्वल टू में डी टी अपॉन में डी एक्स होगा, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, माइनस हमारा इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी, और वन प्लस में कॉस एक्स को टी हमने लेट किया था, तो माइनस का वन अपॉन में टी डी टी, और वन अपॉन में टी हम जानते हैं क्या होता है, लॉग टी होता है, प्लस में सी, माइनस का लॉग, और टी हमने किसको लेट किया था, वन प्लस में कॉस एक्स, तो वन प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। जो बाकी अब बचे हुए क्वेश्चन है 31 से लेके 37 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारा काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम क्लास 12th की इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले आप प्लेलिस्ट में मेरे देख सकते हैं, हमने डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उसमें से देख सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।